नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। त्रिपुरा की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी संभाल रहे बिप्लव देव अपने काम से ज्यादा विवादित बयानों की वजह से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाए रहते हैं। इस बार उन्होंने सिखों और जाट समुदाय को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दे दिया। वो मानते हैं कि सरदारों के पास दिमाग कम होता है, जबकि जाट हट्टे कट्टे लेकिन कम बुद्धिमान होते हैं। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे बीजेपी नेता बिप्लव देव ने अगरतला में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यों और वहां के लोगों के बारे में बोल रहे थे। इसी दौरान सीएम बिप्लव देव ने कहा, अगर हम पंजाब के लोगों की बात करें तो हम कहते हैं वो एक पंजाबी है, एक सरदार है। सरदार किसी से नहीं डरता, वे बहुत मजबूत होते हैं लेकिन दिमाग कम होता है। कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह के साथ जीत सकता है। सीएम बिप्लव ने इसके बाद जाट समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि मैं आपको हरियाणा के जाटों के बारे में बताता हूँ। तो लोग जाटों के बारे में कैसे बात करते हैं? वे कहते हैं जाट कम बुद्धिमान है लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अगर आप एक जाट को चुनौती देते हैं तो वो अपनी बंदूक अपने घर से बाहर ले आएगा। बंगालियों के बारे में सीएम बिप्लव देव ने कहा, बंगाल या बंगालियों के लिए ये कहा जाता है कि उन्हें बुद्धिमत्ता के संबंध में चुनौती नहीं देनी चाहिए। बंगालियों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है और ये भारत में उनकी पहचान। जैसे हर समुदाय को एक निश्चित प्रकार और चरित्र के साथ जाना जाता है। हालांकि अपने बयान पे विवाद को बढ़ता देख बिप्लव कुमार देव ने सफाई देते हुए कहा, अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा। उन्होंने आगे कहा, मेरे कई अभिन्न मित्र इसी समाज से आते हैं। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। बिप्लव देव ने आगे कहा, देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी और जाट समुदाय के योगदान को मैं सदैव नमन करता हूँ और भारत को आगे बढ़ाने में इन दोनों समुदायों ने जो भूमिका निभाई है उस पर प्रश्न खड़ा करने की कभी मैं सोच भी नहीं सकता। एक तरफ पीएम मोदी दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत सबका साथ सबका विकास जैसे नारे देते हैं, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता बिप्लव देव सिख और जाट समुदाय के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं। इससे पहले साल 2018 में उन्होंने कहा था कि युवा सरकारी नौकरी के पीछे वर्षों भागता है, उसे इसकी जगह पान की दुकान खोलनी चाहिए या गायों का पालन करना चाहिए।